दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों एनिमल किंगडम में आए दिन लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। कई बार तो लड़ाई पेट भरने के लिए होती है तो कभी इलाके की सुरक्षा को लेकर, कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शिकारी जानवर कमजोर जीवों पर हावी होने की कोशिश भी करते हैं। इस कारण ये जानवर भाई गलत दुश्मनों से पंगा भी ले बैठते हैं, जिसके बाद इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। आज की वीडियो दोस्तों इसी पर आधारित है और कुछ वीडियो क्लिप्स तो इतनी फनी है कि आपके लिए भाई हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आइए फिर इस बेहतरीन वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 1, टाइगर वर्सेस स्लॉथ बियर। टाइगर की गिनती प्रेडेटर्स में होती है, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर इससे खौफ खाते हैं और शायद टाइगर को इसी बात का काफी घमंड भी है। लेकिन आज टाइगर का ये घमंड दोस्तों चकनाचूर होने वाला है, वो कैसे चलिए देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ये टाइगर जैसे ही स्लॉथ बियर से भिड़ने के लिए उसके नजदीक जाता है तो उल्टा काले रंग का यह भालू उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए ललकारता है। भालू की हिम्मत देखकर टाइगर की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो उल्टे पांव वापस लौट जाता है। मजेदार बात तो ये है कि भालू टाइगर के पीछे जाता है और अपने दो पैरों पर खड़े होकर टाइगर से कहता है कि दम है तो सामना कर, लेकिन टाइगर बिना कुछ कहे वहां से खिसक जाता है। शायद ही भाई आपने कभी टाइगर के इस डरपोक रूप को देखा होगा। नंबर 2, बबूज प्रोटेक्ट देयर फैमिली मेंबर फ्रॉम ह्यूज क्रोकोडाइल। जिस तरह दोस्तों हम इंसान अपनी फैमिली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ जानवरों में भी ये नेचर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बड़े मगरमच्छ ने बबूंस की फैमिली के एक सदस्य को अपना शिकार बनाया है। जब इस बात की खबर भाई बबूंस की फैमिली को लगती है तो सारे के सारे बबूंस मौके पर पहुंच जाते हैं और अपने सदस्य को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बबूंस मिलकर मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपने साथी को बचा लेते हैं। इसके बाद सारे बबूंस मगरमच्छ को ऐसा मसा छिकाते हैं कि उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। इस घटना से दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एकता में कितना बल होता है। नंबर 3, व्हेन डॉग्स मेस विद कैंगरू। दोस्तों कंगारू का केला पाकर इस सिरफिरे डॉग को पता नहीं भाई क्या सूझी कि कंगारू को परेशान करने के लिए पानी तक में उतर गया। जी हाँ, लेकिन इसके बाद भाई कंगारू डॉग से इतनी बुरी तरह लड़ता है कि वो हक्का बक्का रह जाता है। जैसे ही डॉग कंगारू पर भौंक कर उसे डराता है तो कंगारू अपने दोनों हाथों से उसे खूब मारता है। डॉग को समझ में आ जाता है भाई उसने गलत दुश्मन से पंगा ले लिया। आखिर में भैया डॉग वहाँ से लौटने में ही अपनी भलाई समझता है। नंबर 4, ब्रेव मदर चिकन प्रोटेक्ट हर चिक्स फ्रॉम स्नेक। एक माँ अपने बच्चे की जान की खातिर 200 मौत से भी लड़ जाती है, फिर चाहे सामने खतरनाक सांप ही क्यों ना हो। ये मुर्गी अपने चूजों के साथ खेल रही थी कि तभी इसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो चूजों को खाने के इरादे से यहाँ पे आया है। सांप को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहादुर मुर्गी उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपने पंख फैलाकर सांप से खूब लड़ती है। इस दौरान वो बीच बीच में अपने बच्चों को किनारे पर करके उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करती है। सांप एक बार फिर से मुर्गी के चूजों का शिकार करने के लिए आगे आता है, तब मुर्गी दोबारा उसका डटकर सामना करती है और अपने बच्चे को बचाती है। सच में दोस्तों माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। नंबर 5, पाइथन ट्राइड टू मेस विद मदर कैट। इस वीडियो में दोस्तों एक बहादुर माँ है जो अपने बच्चों की जान के लिए कुछ भी कर गुजरती है। दरअसल दोस्तों ये बिल्ली दोपहर में अपने बच्चों के साथ आराम फरमा रही थी कि इसी दौरान एक पाइथन इनके बिल पर दस्तक देता है। जैसे ही बिल्ली अजगर को अंदर आते हुए देखती है तो वो उसे रास्ते में ही रोक देती है। पाइथन बिल्ली को डराने की खूब कोशिश करता है ताकि वो सामने से हट जाए, मगर बिल्ली भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। वो सांप के सामने जोर से गुर्राती है, पर अजगर भी दोस्तों इतनी जल्दी कहां मानने वाला था। वो मौका मिलते ही बिल में घुस जाता है, तब बिल्ली सांप के मुंह पर बुरी तरह से नोचती है कि अजगर को उसकी नानी याद आ जाती है। नंबर 6, हनी बैजर वर्सेस स्नेक। वैसे तो भाई कोबरा अपने आप में काफी जहरीला होता है, लेकिन दोस्तों जब बात हो केप कोबरा की तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हम आपको बता दें केप कोबरा बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ये दक्षिण अफ्रीका में शुष्क सवाना, फेनबोस, बुशवेल, रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के बायोम में रहता है। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि अगर इसका सामना हनी बैजर से हो जाए तो क्या होगा। ऐसे में केप कोबरा हनी बैजर को टफ फाइट दे पाएगा या खुद ही उसका शिकार बन जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर केप कोबरा ने हनी बैजर पर धावा बोल दिया है और वो उसे अपनी कुंडली में दबोचने लगा है। केप कोबरा हनी बैजर को डस कर उसे मारना चाहता है और वो हनी बैजर के सिर पर डसता भी है, मगर इस बात से हनी बैजर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो पूरी जी जान से केप कोबरा के पीछे लग जाता है। हनी बैजर के इस रवैये को देखकर दोस्तों केप कोबरा को ये बात समझ में आ जाती कि बिड़ू यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए यहाँ से 9 to 11 होना ही सही है। पर अब तो भाई हनी बैजर के सिर पर मानो जैसे खून सवार हो गया हो। वो सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसकी ऐसी चटनी बनाता है कि भैया सांप की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में हनी बैजर सांप को चट कर जाता है। इसी के साथ ही हनी बैजर की जीत होती है और सांप का हो जाता है भाई काम तमाम।
नंबर 7 पावरफुल किक्ड ऑफ ज़ेब्रा। वही शेर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये मासूम जानवरों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है और ज़ेब्रा इसकी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। पर आज दोस्तों हम आपके सामने एक ऐसी मजेदार वीडियो पेश करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी बॉस ऐसे तालियां बजाएंगे। जंगल में ज़ेब्रा को अकेला पाकर दोस्तों ये शेर उसे अपना निवाला बनाने के लिए दौड़ता है। तब ज़ेब्रा जान बचाने के लिए शेर को इतनी तेज लात मारता है कि शेर भैया औंधे मुंह गिर पड़ता है। शायद अब शेर को अकल आ गई होगी कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पासा पलटने में समय थोड़ी ना लगता है। नंबर 9 मंकीज प्ले विद टू टाइगर कब्स। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे तो आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो बॉस अपनी आंखों से देखो इस वीडियो को, जहां पर टाइगर के दो बच्चे बंदरों के इलाके में घुस आए हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगते हैं। तब बंदर भी भाई इन्हें मजा चखाने की ऐसी तरकीब ढूंढ निकालते हैं कि इनकी हालत भैया हो जाती है पतली। एक बंदर टाइगर कब्स के कान खींचता और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। तब टाइगर का बच्चा भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन बेचारा चढ़ नहीं पाता। वहीं दूसरा बंदर टाइगर कब्स को बार बार छेड़ता है और फिर पेड़ पर लटक जाता है। शायद ही कभी टाइगर के बच्चों की इतनी बुरी बेइज्जती हुई होगी। खैर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 ब्लैक बियर मेस विद पिग पेन। आमतौर पर दोस्तों भालू कम ही दूसरे जानवरों से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब ये भूखे होते हैं तो भाई ये कुछ भी कर गुजरते हैं। इस बात को साबित करता है ये वीडियो, जहां पर ये भालू पेट पूजा करने के लिए सुअरों के बाड़े में कूद जाता है और जैसे ही ये पिक को मारने की कोशिश करता है तो कहानी में आता है ट्विस्ट। जी हाँ, दूसरा सुअर भाई हीरो के माफिक बाड़े से निकलकर तेजी से बाहर आता है, जिसे देखकर भाई भालू अपने होश खो बैठता है और डर के मारे बाड़े से छलांग लगाकर वो तो भाग जाता है। नंबर 11 बियर वर्सेस फ्रेंच बुलडॉग। ये वीडियो भी दोस्तों भालू की है, मगर यहाँ एक नहीं दो दो भालुओं ने मिलकर भाई एक घर में डकैती डालने का प्लान बनाया। जी हाँ, क्या ये प्लान इनका सक्सेसफुल होगा, आइए देखते हैं। भाई ये दोनों भालू खाना चुराने के इरादे से घर में घुस गए हैं, लेकिन घर के मालिक यानी फ्रेंच बुलडॉग को इस बात की भाई खबर लग जाती है और ये दौड़ कर आता है और उनसे दो दो हाथ करता है। इतने में एक भालू मौका मिलते ही भाई ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ये छोटा सा डॉग भाई कुछ कम नहीं है, वो भी इसके पीछे लग जाता है और भालू को बाहर निकाल कर ही भाई चैन की सांस लेता है। लगता है आज का दिन भालू के लिए किसी बैड लक से कम नहीं है, तभी तो भाई एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा। नंबर 12 जिराफ किक्ड लायनेस। आमतौर पर शेरनियां ही शिकार करती हैं और अपने बच्चों का पेट भरती हैं। जब इस शेरनी को भाई शिकार के लिए कोई नहीं मिलता तो ये जिराफ का शिकार करने का मन बनाती है, मगर उल्टा इसे मुंह की खानी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये जिराफ पर अटैक करने की रणनीति बनाती है तो इतने में जिराफ अपना खेल खेल जाता है। जिराफ तेजी से आता है और शेरनी को अपने पैरों से भैया रौंद कर भाग जाता है। हालांकि गुस्साई शेरनी जिराफ का पीछा करती है, मगर भाई तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वाह, आज तो मजा आ गया। नंबर 13 स्वैन ड्राइव्स द डॉग अवे। कई बार डॉग्स भी वही बेमतलब पंगा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी हमें देखने को मिला, जहां नदी में स्वान की एक मीटिंग चल रही थी और इस दौरान एक डॉग भैया बीच में आकर रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। तब एक बड़ा सा स्वान आगे आता है और भाई अपने पंख खोलकर इसे जोरदार फटाक से तमाचा मारता है। इसके बाद डॉग को समझ में आ जाता है कि बिड़ू आज तो मैंने गलत जगह पंगा ले लिया है, यहाँ से निकलना होगा। आपको बता दें कि स्वान एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है और ये अपना ज्यादातर समय पानी में रहकर बिताना पसंद करते हैं। नंबर 14 बश बग एस्केप्स ह्यूज क्रोकोडाइल। 200 मगरमच्छ जो होते हैं पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ही वही शिकार पर हमला करते हैं, इसलिए इनका जो वार होता है कभी भी खाली नहीं जाता। मगर जब आप इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो भाई आपका मुंह खुला का खुला, अरे मुंह बंद कर लो, मतलब मैं कह रहा था खुला का खुला रह जाएगा। ये बश बग दोस्तों काफी प्यासा था, इसलिए भाई ये दरिया किनारे पानी पीने के लिए जाता है और जैसे ही ये पानी पीता है तो भाई साहब पानी में घात लगाए बैठा मगरमच्छ बिजली की तेजी से छपट्टा मारता है। ये देखकर एक पल के लिए तो भैया ऐसा लगता है कि अब तो बश बग गया, इसलिए पूरा मामला समझने के लिए हमें वीडियो को स्लो मोशन में देखना होगा। दरअसल दोस्तों बश बग इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि मगरमच्छ उसे पकड़ नहीं पाता। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं भाई नहले पे दहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।